हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स, 26 सितंबर का दिन है आज और आज का ये दिन मूक बधिर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने इंसान को बड़े प्यार से बनाया है और हर एक खूबी उसके अंदर दी है। इंसान बोलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें इन समस्या से गुजरना पड़ता है। मूक बधिर दिवस आज ये है और किस तरह का ये अपंगता है, कैसे इसे बचा जा सकता है, ये तमाम जानकारियाँ आज हम हासिल करेंगे रीजनल हॉस्पिटल से डॉक्टर सुप्रिया मैम से। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसे आज मूक बधिर दिवस मनाया जा रहा है, थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्या इसके पीछे मनाने का उद्देश्य है? ओके, ये जो मूक बधिर दिवस है जो 2023 का है, इसका जो मेन थीम है दैट इज़ ईयर एंड हेयरिंग केयर फॉर ऑल, कि जो भी हैं, जो भी इंसान पैदा हुआ है उसका ईयर एंड हेयरिंग केयर जो है उसकी हम प्रॉपर केयर करें। और इसी से पहले एक इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज दिवस भी मनाया गया था कुछ ही दिन पहले, और उसका थीम था अ वर्ल्ड वेयर डेफ पीपल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर, कि जो भी डेफ पीपल है वो कहीं पे भी साइन लैंग्वेज से बात कर सकता है और उसको ये अपंगता का फील नहीं आना चाहिए। तो इस साल की ये दो थीम्स थी जी। अच्छा, तो मैम थीम्स के बारे में आपने बताया, और मैम जैसे ये जो स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, किस तरह से इनको पढ़ाया जाता है? पढ़ाने से पहले थोड़ा बताएं कि ये जो इस तरह की अपंगता आती है एक इंसान के शरीर में, वो क्यों आती है? ये जो अपंगता आती है इसके बहुत से कारण हैं। पहले तो दो तरह के कारण में इसको डिवाइड किया जाता है, एक तो पैदा होने से पहले और एक पैदा होने के बाद। जो पैदा होने से पहले के कॉजेज हैं, एक तो जेनेटिक, कि वो पहले से ही जीन्स में है और उसके कारण होता है। सेकंड इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेटर्नल इन्फेक्शंस हो जाएं, जैसे टॉर्च टाइप की इन्फेक्शंस हैं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, सिफिलिस, इसके कारण हो सकता है। थर्ड इज़ प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कोई भी ड्रग्स लेते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटा, अमीका, वो एक कॉज हो सकता है इसके कारण के लिए। फिर रेडिएशन जो होते हैं, जैसे एक्सरे या सीटी जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द कॉज। कोई डिजीज़ होती हैं, डायबिटीज़, टॉक्सीमिया, थायराइड, प्री मेच्योर चाइल्ड होता है, है ना, और बर्थ और ड्यूरिंग बर्थ के कॉजेज़ होते हैं, जैसे ड्यूरिंग डिलीवरी अगर एनोक्सिया हो जाए, बर्थ इंजरी हो जाए या नियोनेटल मेनिनजाइटिस हो जाए, वो भी एक कॉज है। फिर अब जो नेक्स्ट कॉजेज़ हैं पैदा होने के बाद के कॉजेज, पोस्टनेटल, तो उसमें ही होता है, अगेन जेनेटिकल हो सकते हैं ये। सेकंड जो नॉन जेनेटिकल कॉजेज हैं वो हैं या तो वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कान की कोई इन्फेक्शन हो जाए, ट्रॉमा हो जाए कोई भी कान को, या फिर नॉइज़ इंड्यूस्ड, कि बहुत ही तेज़ आवाज़ को कोई भी एक्सपोज होता है उसके कारण भी हेयरिंग लॉस होता है। तो ये फ्यू ऑफ द कॉजेज हैं जी। तो मैम किसी को सुनना बंद हो जाए या कोई बोलना बंद कर दे, ये किसी भी एज में हो सकता है? एज में हो सकता है, बिकॉज जो ट्रॉमा है या नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है, जो लोग लॉन्ग टर्म फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं या क्रैकर्स के एक्सपोजर में आते हैं, तो उनको भी हो सकता है, या कोई सिवियर वायरल डिजीज इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण भी हो सकता है। तो एनी एज। तो मैम जो ये स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, किस तरह से इनको पढ़ाया जाता है, कौन सी साइन लैंग्वेज इनकी रहती है? मेनली तो पहले हमें इनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनको प्री लिंगुअल एज में ढूंढ लें, जैसे उनकी स्पीच डेवलप होने से पहले, तो हम उनको बेटर ट्रीट कर सकते हैं, उनको बेटर उनके लिए ट्रीटमेंट ला सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें पहले तो डिटेल हिस्ट्री होनी चाहिए, फैमिली हिस्ट्री होनी चाहिए कि किसी को है तो नहीं। हमें हर बच्चे को सस्पिशन से देखना पड़ता है कि उनको हेयरिंग लॉस तो नहीं है। जैसे और चीज़ें होती हैं कि उनका बर्थ वेट जिनका 1.5 केजी से कम हो, जॉन्डिस हो, मेनिनजाइटिस हो, उनको हमें ध्यान से ढूंढना चाहिए बच्चों को। और जो भी बच्चे हैं उनकी असेसमेंट करनी चाहिए, कि जैसे कोई भी बच्चा कोई भी तेज़ आवाज़ को अगर रिएक्ट नहीं कर रहा है या रो नहीं रहा है या मदर के बुलाने पे उसकी तरफ घूम नहीं रहा है, तो हमें हमेशा उस बच्चे को एकदम असेस करना चाहिए। फिर असेसमेंट के बाद हमें उनको मैनेज करना है, कि उन बच्चों को जैसे हमने असेस कर लिया कि क्या है, हेयरिंग लॉस है या स्पीच लॉस है, फिर हम उनके टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर दिस,
तो पेरेंट्स को गाइड करना होता है कि कोई भी बीमारी है तो उसका इलाज भी है। बीमारी तो नहीं है, ये एक तरह की अपंगता है, तो इसका इलाज है और हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले तो अगर केवल हेयरिंग लॉस है तो उसको हम असेस करेंगे, उनके टेस्ट करेंगे, ठीक है। और उनके लिए टेस्ट हैं, जैसे बच्चों में बैरा टेस्ट होता है, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको हम ऑडियोमेट्री कर सकते हैं, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री कर सकते हैं। उसके थ्रू हमें पता लगेगा कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस है। जिस डिग्री का हेयरिंग लॉस है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगी। तो जैसे माइल्ड हेयरिंग लॉस है या मॉडरेट है, माइल्ड में तो हमें कुछ भी खास नहीं करना होता है, केवल उनको रिहैबिलिटेशन बतानी होती है। मॉडरेट में हम हेयरिंग एड्स दे सकते हैं, और जो बहुत ही सीवियर हेयरिंग लॉस है 90 डेसिबल से ऊपर, उनको हम कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं जी। इनसे अगर हेयरिंग आ गई तो फिर नेचुरली स्पीच डेवलप हो जाएगी। जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता है, तो जब वो सुनने लगेगा वो बोलेगा भी, तो फिर हम स्पीच थेरेपी करवाते हैं, तो वो फिर बोल भी पाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ एवेल्युएशन के बाद अगर फिर भी बच्चा नहीं करता है तो साइन लैंग्वेज के लिए या स्पीच थेरेपी के लिए हमारे पास लोग होते हैं जो सिखाते हैं, या तो फिंगर स्पेलिंग सिखा देते हैं, जैसे फिंगर से दे कैन डू एंड साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली दे आर टॉट। तो मैम, अगर किसी को हियरिंग लॉस हुआ है या कोई ऐसी दूसरी प्रॉब्लम है, तो क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? एक इंसान कॉमन जिंदगी व्यतीत कर सकता है, फिर से बोल सकता है वो? हाँ, अगर वो जैसे सीवियर जो हेयरिंग लॉसेज हैं, अगर उसमें बचपन में हम अर्ली डिटेक्ट कर लें और उनका जैसे ट्रीटमेंट हो जाए, वॉट एवर दे वॉन्ट, जैसे हेयरिंग एड है तो हेयरिंग एड, कॉकलियर इम्प्लांट है तो कॉकलियर इम्प्लांट लग जाएँ, तो फिर वो बोल भी सकते हैं जी। सो मैम, जो मूक बधिर हमारे भाई बंधु हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, उनके लिए सरकार किस तरह से सहायता करती है? मेनली जो योजना है वो बच्चों के लिए है, जो अभी तक है उसमें बाल स्वास्थ्य योजना है, उसमें जो सरकार है वो बच्चों को हेयरिंग एड, चाहे वो जितने मर्जी का हो, और कॉकलियर इम्प्लांट जो ऑलमोस्ट 7 लाख का पड़ता है, तो वो सरकार की ओर से करवाया जाता है जी। अगर हम सरकारी हॉस्पिटल सोलन की बात करें, तो कितने ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते? लोग तो काफ़ी हैं अगर हर एज में लिया जाए, बट बच्चों के हिसाब से हमें 18 ईयर से नीचे, मेनली हम लोग कोशिश करते हैं 2 साल के नीचे डिटेक्ट करना। तो 2 साल के नीचे अगर डिटेक्ट होगा तो इम्प्लांट हो जाएगा, और इम्प्लांट करके कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास जो हमने यहाँ से भेजे होते हैं, तो वो करते हैं हम। तो जो कोई समस्या से जूझ रहा होता है वो खुद से आते हैं या खुद आप सोलन स्वास्थ्य विभाग आइडेंटिफाई करता है? हाँ, अब जो है क्योंकि ये डेफनेस प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके थ्रू हम लोग कैंप्स लगाते हैं, हेयरिंग टेस्ट होते हैं, जैसे रूटीनली बच्चों को हम जो हमारी ये आंगनवाड़ी या आशा वर्कर्स हैं, ये इनको सिखाया जाता है कि इनको कैसे इनको ढूंढना है, और किसी भी बच्चे पे अगर शक हो तो वो उनको हमारे तक लेके आते हैं, देन हम आगे भेजते हैं जहाँ पे। मैम, बहुत सी जानकारियाँ आपने दी, और अंत में क्या कुछ आप हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए मैसेज देंगे, खासकर इस दिन को लेके? हाँ, मेरा एक ही मैसेज है कि आप हेयरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड हो सकते हैं, बट अदरवाइज आप बिल्कुल सक्षम हैं, अगर आप प्रॉपर इलाज करवा लें, और इससे आप डिसहार्टन ना हो, इससे इस बीमारी से डिसहार्टन ना हो के आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं, एंड सोसाइटी को भी ऑल्सो यू कैन गिव सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जी। व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थी डॉक्टर सुप्रिया मैम, ENT स्पेशलिस्ट सोलन स्वास्थ्य विभाग से, जिन्होंने मूक बधिर दिवस पर बहुत सी जानकारियाँ दी है, और इन्होंने एक मैसेज खास दिया है कि इस तरह की अपंगता से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारी कोई भी हो, अगर उसका ट्रीटमेंट समय रहते शुरू कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। और हमारा सोलन रेडियो 90.4 MHz भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो ज़रूर आप उन्हें चिकित्सक के पास लेकर जाएं, ताकि समय रहते बच्चे का इलाज किया जा सके। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।